गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। चारों में से एक भी चीज कम नहीं हुई। जिस कौम में हम लोग पैदा हुए हैं, जिसकी बेहतरी हम लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। जिस समाज का राजा नहीं होता, वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं हो सकता। कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों को हाथी बैठाना चाहती है, नहीं उसको राजा बनाना चाहती है। अपनी वोट की कीमत को नहीं समझेगा और अपने महापुरुषों की बात को नहीं समझेगा तो साथियों, जिन लोगों की सत्ता आज तक हमने हाथ में दी है, उन लोगों ने आज तक हम लोगों को लाचारी, गरीबी, भुखमरी ये देने का काम किया है। तो साथियों, यदि हम लोगों को सत्ता प्राप्त करनी है तो साथियों, हमें सभी लोगों को एकजुट होना होगा। इस देश के अंदर 6,743 जातियों में एक वर्ग को बांटने का काम किया गया। चार वर्ण के आधार पर देश चलता है, तो जो चौथा वर्ण है, जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा संख्या में सबसे बड़ा है, तो उन सभी लोगों को इकट्ठा होकर इस देश की सत्ता के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद करूंगा सीएल बंसवार जी का, बंसकार जी का, जिन्होंने ये पहल की। और दिल्ली में उन्होंने कहा लाखों लोग इस कास्ट के हैं, तो यदि ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो निश्चित बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में उसकी ताकत में इजाफा होगा। हम लोग आपके बीच में आएंगे, आते रहेंगे। अभी इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि उन्हें भागीदारी देनी है। बहुजन समाज पार्टी का तो नारा ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने 89 में कांशीराम साहब को सुना, वो नौकरी में रहते, उन्होंने 79 में उन्होंने कांशीराम साहब को सुना और उन्होंने अपनी जिंदगी इस मूवमेंट में लगाने का काम किया। यदि उन्होंने पार्टी बनाने का भी साहस किया तो इसलिए किया कि उन्होंने कांशीराम साहब इस मूवमेंट से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद इतना बड़ा फैसला पार्टी बनाने का उन्होंने लिया, मगर आज हमारे जिम्मेदार साथियों ने पुनः उनके घर में वापसी कराई और इस दल को पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी में विलय कराने का काम किया। आज दिल्ली में भी वही कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सीएल बंसवार जी का धन्यवाद करूंगा और उनके सहयोगी साथियों का कि उन्होंने जो पहल की है ये दिल्ली में मील का पत्थर साबित होगी। तो हम उन्हें जहां पर भी प्रदेश स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जहां पर भी उनके जिम्मेदार साथी होंगे, हम उन्हें अपनी पार्टी के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, उन्हें पद देने का काम करेंगे, जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। इसमें कोई भी रत्ती भर भी आपको शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे। तो मेरी आपसे अपील है कि आज यदि हम 26 जनवरी के दिन ये प्रोग्राम किया है तो यहां से हमें शपथ लेके जाना होगा। किस देश के अंदर बाबा साहब ने आज संविधान लागू किया था और आज देश का संविधान खतरे में है। इसलिए हमें इस संविधान को बचाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और जो इस देश के अंदर यहाँ की जो भी सरकार चली, चाहे वो कांग्रेस की सरकार चली, चाहे वो बीजेपी की सरकार चली, चाहे जनता दल की सरकार चली, इन लोगों ने सिवा हमें मूर्ख बनाने का और लालच देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। कांग्रेस तो 4 मुद्दे से 5 ही बात उन्होंने नहीं की। गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। चारों में से एक भी चीज कम नहीं हुई। इसी तरह आज बीजेपी मूर्ख बनाने में लगी है।
और दिल्ली देश की राजधानी में खामोखा पार्टी भी आज मूर्ख बनाने में लगी है। तो यदि हम लोग ऐसे ही मूर्ख बनते रहे तो साथियों, हम जिस कौम में हम लोग पैदा हुए हैं उस कौम की बेहतरी कोई नहीं कर पाएगा। मैंने भी कांशीराम साहब को सन 82 में सुना, तब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, और तब से लेकर आज तक एक भी दिन का पार्टी से ब्रेक नहीं है। लगातार काम किया, 19 साल 2 महीने भारत सरकार की नौकरी भी की। मेरी नेता ने कहा रिजाइन करो, रिजाइन कर दिया। यदि 10 महीने और नौकरी कर लेता तो शायद आज 50,000 पेंशन ही मिल रही होती। मगर क्योंकि जिस कौम में हम लोग पैदा हुए हैं, जिसकी बेहतरी हम लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा, ना आज तक किसी ने की है ना कोई करेगा। इसलिए हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हम सब लोग इस मिशन मूवमेंट को समझे और मिशन मूवमेंट को समझ कर अपनी ताकत को बढ़ाने का काम किया करें, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हैं इन्होंने सभी लोगों ने हमें इस देश के अंदर गरीबों को राजा बनाने की बात की है। और जिन लोगों ने बाबा साहब को पहली बार पार्लियामेंट में जिताने का काम किया, चांडाल बरादरी के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, तो चांडाल बरादरी के लोगों के बीच में उनके गुरु पैदा हुए हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर। उन्होंने कहने काम में ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं हो सकता। उन्होंने साथ में एक बात और कही कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। इस देश में भी बीजेपी नंबर 1 की ताकत रखती है, कांग्रेस नंबर 2 भी रखती है, तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर नंबर 3 की ताकत रखती है। तो इसको नंबर 3 से नंबर 1 तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग एकजुट होना होगा, और इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से उसके लिए काम करना होगा, ना बिकने वाला समाज बनाना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मांगने वाले का सम्मान होता है या देने वाले का होता है? और इस देश की आज तक की सरकारों ने हमें क्या बनाया? मांगने वाला बनाया कि कोई लाइट की बात करता है, कोई पानी की बात करता है, कोई नौकरी की बात करता है, कोई खंजे की बात कर रहा है, कोई खंबे की बात करता है। यानी हम लोग इस देश के अंदर मांगने वाले बने, और बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर देने वाला बनाना चाहती है। अब ये तय आपको करना है कि हमें अपना लालच छोड़ना होगा। राजा और अन्याय अत्याचार राजा पे नहीं होते। किस पर अन्याय होते? गरीबों पर अत्याचार होंगे, लाचार पर और कमजोर पर अत्याचार होंगे। आज यदि देश के अंदर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है तो इसलिए लुटते हैं कि हम लोग कमजोर हैं। आप बताएं कि एक भी किसी राजा की लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो या किसी ने राजा की लड़की को छेड़ने का काम किया हो। इसलिए हमें राजा बनना ही पड़ेगा, ये हमारे महापुरुषों की चाहत है। और इस देश का राजा वोट से बनता है। वोट किसके पास जा रहे हैं? वोट इस देश के अंदर गरीबों के पास जा रहे हैं। यदि गरीब ये वोट अपनी पार्टी को दे दे, जो गरीबों की पार्टी देश के अंदर बन चुकी है, यदि आपने अपना सारा वोट उसको दे दिया, तो साथ ही इस देश के अंदर जो लोग आज आप पर अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, जो आपको लाचार बनाने वाले लोग हैं, उनको एक दिन में सीधा किया जा सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि आप लोग इस ठंड के मौसम में यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर एक कीमती समय लगाकर एक बहुत बड़ी लड़ाई में अपना हिस्सेदारी दी है, तो आने वाले दिनों में जब भी आपको मौके मिले तो आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। यदि आपने हाथी पर बटन दबा दिया, और मैं आपसे पूछूंगा कि हाथी की सवारी किसकी होती है? हाथी की सवारी तो राजा की होती है। तो इसलिए यदि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों को हाथी पर बैठाना चाहती है, नहीं उसको राजा बनाना चाहती है। अब ये तय आपको करना है कि साथियों, आपको झाड़ू चलानी है, ये आपको राजा बनना है, ये तय आपको करना है। इसलिए किसी भी लालच में नहीं पड़ना है। जो लालच में नहीं पड़ते उन्हें कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा, मगर यदि राजा जिस दिन हम लोग बन जाएंगे, ये सारी समस्याओं का अंत एक दिन हो जाएगा। तो ऐसा निवेदन करते हुए, आज सबका धन्यवाद करते हुए, जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उनका है। यदि आप यहाँ नहीं बैठे होते तो हमारे जैसे लोग बोलने लायक नहीं बनते। आज यदि मैं बोल रहा हूँ तो आपके कारण बोल रहा हूँ कि आप एक दिन ठंड में यहाँ पे बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद की बात रात है, उसके बाद हमारे आयोग साथी जिन लोगों ने प्रोग्राम को किया, और हमें जो मान और सम्मान आपने दिया है उसे हम सदैव याद रखेंगे।
ऐसा निवेदन करते हुए कि आप लोग ताकत से बहुजन समाज पार्टी में जुड़े और बहुजन समाज पार्टी में जिम्मेदारी लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।